हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रप कृपा क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। आंसर, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स आर एज अंडर। फर्स्ट है, सीएनजी एंड एलपीजी आर एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल फ्यूल्स। सेकंड, दे कॉज वेरी लेस पोल्यूशन। सीएनजी और अगर एलपीजी को हम फ्यूल्स के तौर पर यूज करते हैं तो ये बहुत ही कम पोल्यूशन करते हैं। नंबर थर्ड है, दे कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग। इसको हम डायरेक्टली फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। फोर्थ है, दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। एंड नंबर फिफ्थ है, देयर कॉस्ट इज वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स को बनाने में उनके सरफेस पर कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। आंसर है बिटुमन। बिटुमन की आपके सामने एक पिक्चर भी दी हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा लिटरेचर भी आपके लिए वैसे समझने के लिए है। बिटुमन इज ए स्टिकी ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पर एक वर्ड है विस्कस। विस्कस क्या होता है? विस्कस वो होता है जो थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है, जो आसानी से फ्लो नहीं करता, विच डज नॉट फ्लो इजिली। दैट लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस लिक्विड। इट इज ए बाइंडिंग एजेंट। कौन है बाइंडिंग एजेंट? बिटुमन इज ए बाइंडिंग एजेंट विच इज यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड वाटर प्रूफिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। अगर कोई रेजिडेंस के लिए बिल्डिंग बन रही है या कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है तो उनकी छतों पर वाटर प्रूफिंग करने के लिए, ताकि वाटर की लीकेज ना हो, बिटुमन को यूज किया जाता है। इट कैन अकर नेचुरली और बी फॉर्म थ्रू द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो ये उससे भी बनाया जा सकता है। वैसे नेचुरली भी बिटुमन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? आंसर, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग एरियाज। ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम। एज दे गॉट बरीड डीप इन टू द सॉइल दे वर एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इन टू कोल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब हम इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो निचले एरिए थे धरती के, वहां पर बहुत ही घने जंगल थे और कुदरती क्लेमिटीज जैसे कि फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक या वोल्केनोस के कारण जो वे फॉरेस्ट से वो सॉइल के नीचे बरी हो गए, यानी कि वो खत्म हो गए। जो फॉरेस्ट है वो जमीन के नीचे दफन हो गए और समय के साथ साथ उन जंगलों के पर और ज्यादा मिट्टी जो सॉइल है वो डिपॉजिट हो गई और नीचे नीचे वो नीचे दस्ते चले गए और वहां पर उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर का सामना करना पड़ा। और ऐसे सर्कमस्टांसिस में वो जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए और डेड वेजिटेशन के कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर ए है, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल होती है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं
और उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो इससे हमें पेट्रोलियम के कई प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें रिफाइनिंग के द्वारा प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम की? वो होते हैं LPG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमिन। नेक्स्ट है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। अगर व्हीकल में वो कौन सा फ्यूल है जो हम यूज करें तो कम से कम पोल्यूशन होगा, वो होगा CNG। आपने जरूर सड़कों पर या रोड्स पर ग्रीन और येलो कलर के थ्री व्हीलर देखे होंगे, वो CNG से चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5, ट्रिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉसिल्स फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है इनको लेबोरेटरी में बना सकते हैं? आंसर है फॉल्स। हमने पहले ही पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि फॉसिल्स फ्यूल्स कैसे बने। जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो क्या हुआ, जब वो डाई हो गए, डेड हो गए, तो उनके जो रिमेन्स थे वो धीरे धीरे धरती के नीचे बरी हो गए और वहां पर उनको ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर का सामना करना पड़ा और वहां पर जो हवा भी बिल्कुल नहीं थी और इससे जो वो डेड प्लांट्स थे और डेड एनिमल्स के रिमेन्स थे वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। और फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल्स कौन सी होती हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये जो सारी कंडीशंस हैं जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर और इतना लंबा पीरियड, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सारी कंडीशंस जो है वो हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, दिस इज फॉल्स। दीज कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर एंड सो मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5B, CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। आंसर है फॉल्स। CNG का मीनिंग क्या होता है ये आपके लिए सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं समझने के लिए। CNG का मीनिंग अभी आपको कहीं भी आ भी सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेन कंपोनेंट जो CNG में होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ CNG इज मिथेन गैस। CNG इमिट्स सिग्निफिकेंटली लेस पोल्यूशन देन पेट्रोल व्हेन कंबस्टेड। जब हम CNG को यूज करते हैं, बर्न करते हैं, तो इससे बहुत ही कम पोल्यूशन इमिट होता है अगर हम इसको पेट्रोल से कंपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5C, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। आंसर है ट्रू। वो ट्रू कैसे है ये भी हमें समझना है। कोक इज ए टफ पोरस क्या होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों, यानी कि छिद्र हों, छेद हों, तो उसको पोरस कहते हैं। कोक इज ए टफ पोरस ब्लैक ग्रे सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5D, कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। आंसर है ट्रू। वो कैसे ट्रू है ये भी हमें पता होना चाहिए। कोल टार इज ए थिक डार्क लिक्विड। ये आपके सामने कोल टार दिखाया हुआ है, ये बहुत ही थिक और डार्क रंग का लिक्विड होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोल। कोल टार कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 केमिकल्स। इसमें लगभग 10,000 केमिकल्स होते हैं, ऑफ विच जिनमें से केवल अबाउट 20% हैव बीन आइडेंटिफाइड। सिर्फ अब तक हमें 50% का पता चल सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5E, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। ये केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, फॉल्स। केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कहां से हमें प्राप्त होता है, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इट इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल इन एविएशन एंड हाउसहोल्ड्स। जो आप बहुत बड़े बड़े जहाज देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं,
वो केरोसिन ऑयल से ही, जो बढ़िया क्वालिटी का केरोसिन ऑयल होता है उससे चलते हैं, और हम घरों में भी केरोसिन ऑयल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल हमने डिस्कस किया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यस, दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल का मीनिंग होता है कि अगर हम इनको अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी यूज करेंगे तो जल्दी ही ये हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइबल टू बी एग्जॉस्टेड बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। और इनकी एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल में आ जाता है एयर, वाटर एंड सनलाइट, और एग्जॉस्टेबल जो होता है देन इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, ठीक है, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज उनमें आ जाता है एग्रीकल्चर, एक्वाटिक लाइफ और वाइल्ड लाइफ। ये आपको सिर्फ समझने के लिए ये सारा सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन यू कैन से दीज आर टू टाइप्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स एंड यूसेज ऑफ कोक। आंसर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक, इट इज ए टफ सब्सटेंस, इट इज, नेक्स्ट है इट इज ए पोरस एंड ब्लैक ग्रे सॉलिड सब्सटेंस। नंबर 3 है इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑलमोस्ट प्योर, कैसे प्योर हो गया कि इट कंटेन्स 98% कार्बन। कोक में 98% तक कार्बन होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये आपके सामने कोल और ये कोक की फोटो है जो कि ब्लैक ग्रेश कलर का है। अब हम कोक को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इट इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में। इट इज यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पर भी यूज करते हैं, और इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयरन एंड जिंक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करना है। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव्ड इन द सी डाइड एंड देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ मड, सैंड एंड क्ले एज दे वर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। These were slowly converted into petroleum and natural gas. अब हम इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स सी में रहते थे, समुंदर में रहते थे, जब वह डाई हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी बॉडीज जो हैं वो सी के बॉटम पर चली गई और उन पर मड, सैंड और क्ले की जो लेयर थी वो उनके साथ वो कवर हो गए, और समय के साथ साथ उन पर और मड, क्ले और सैंड भी आनी शुरू हो गई, और बाद में ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर को एक्सपोज हुए, और इस प्रोसेस में समय के साथ साथ वे स्लोली स्लोली ये जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक टेबल, यहां पर हमें ईयर्स दिए हुए हैं और यहां पर शो किया हुआ है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, वो कितनी कितनी है हर ईयर्स में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होता है मैन्युअली, जैसे तो हमने वैसे कंप्यूटर के थ्रू आपके सामने जनरेट किया हुआ है, वैसे आपको समझा देते हैं कि ये कैसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पर जी आप पहले देख लें कि यहाँ पर ऐसे इन्होंने शॉर्टेज जो है हमने वो इधर वाई एक्सिस पर लेनी है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है,
और ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर आपने 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 यहां पर आपने पॉइंट आउट कर दिया। यहां पर आप 1990 से हम शुरू करेंगे, ये 91 हो गया, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और ये 98 हो गया, ठीक है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं 90, 91, 92 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर आप 0, 2, 4, 6 ये आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। यहां पर हम जब लिख रहे हैं तो ये अच्छी तरह नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 91, ये 91 से शुरू होगा, ये 90 बेस है, ये 92 होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 91 में क्या है 7.9, यानी कि ये आप ऊपर जाकर यहां पर 77.9 की तरफ क्लिक कर लेंगे, और 92 में 7.8, ये 9.2 है, ये कितना है 7.8, थोड़ा सा कम नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखेंगे 93 है, ये 8.3 है, ये आप यहां पर लेंगे। ऐसे ऐसे आप जो है ग्राफ को जोड़ते जाएंगे, 8.3 के बाद में 7.4 आता है, ठीक है, 7.4 आपका यहां पर आ जाएगा, फिर ये ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट में देखेंगे 7.1 है, तो आप यहां पर 7. नेक्स्ट ईयर में आप 7.1 में चले जाएंगे, और इसके बाद में 96 यहां पर आ जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95 ये 96 है, 96 यहां पर, ये कहां है 9.2, ये 9.2 आपका यहां पर चला जाएगा, ये आप 92 इसको ऐसे ग्राफ को जोड़ते जाएंगे, और बाद में आपका 11.5 बनेगा यहां पर, ठीक है। ये आपका एक पूरा प्रॉपर ग्राफ अगर आप प्रॉपर कॉपी पे बनाएंगे तो आपका अच्छी तरह बन जाएगा, और ये इसी तरह आपके सामने जो है लाइन जो है आपकी ड्रा हो जाएगी। यहाँ पर आपने शॉर्टेज शो करनी है वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर ईयर्स को ड्रा करना है, ठीक है। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।